दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्टर की कीमत आप कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैंने 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया है। दोस्तों कीमत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आप जब सब्जी वाले के पास जाते हैं तो आप उससे रेट पूछते हैं और कम कराते हैं। हर एक जगह पे हम रेट कम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक लेवल, जैसे मेरा वाला लेवल है, मेरे से बड़े वाले से हम रेट कम कराने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? दोस्तों मारवाड़ी इसीलिए अमीर होता है, वो हर एक चीज़ में रेट कम करता है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां चीज़ें सस्ते में खरीद लेती हैं और हम रिटेलर महंगे में क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम रेट कम नहीं कराते हैं। हमारे मन में एक भाव होता है, मैं बड़े से कैसे बात करूंगा कि वो रेट कम करे, तो इसीलिए हम छोटी जगह पर तो रेट कम कराते हैं, बड़ी जगह पर रेट कम नहीं कराने की कोशिश करते हैं, हम बड़े दयालु बन जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपकी सेविंग ही आपकी कमाई है तो आपको रेट कम कराना है। आज बताएंगे रेट कम कराने के 3 तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं कहता हूँ वीडियो को अंत तक देखना, कहता हूँ पूर्णता जरूरी है, क्योंकि पूर्णता करने से क्या होता है, आपने जब भी किसी काम को पूर्ण किया, पूर्णता और अपूर्ण में क्या होता है, जब भी आप पूर्ण करते हैं किसी काम को तो आपका माइंड उसको सक्सेस मान के उस काम को ड्रॉप करता है, और अपूर्ण किया तो आपका माइंड उसको संभाल के रखता है। इसका उदाहरण को देखिए, आपने जिंदगी के अंदर जितने भी आपके साथ गलत हुआ, किसी ने गाली दी है, कुछ दुख दिया, सारे आपके माइंड ने संभाल के रखे हैं। अगर उसी समय उसने आपको बोला और उसने माफी मांगी और पूर्णता की, तो आपके माइंड लूप, ये आधा लूप है, इस आधे लूप को क्लोज कर दिया, तो आपके माइंड ने छोड़ दिया, आपको उसका प्रेशर लोड कम हो गया। इसीलिए दोस्तों पूर्णता से सक्सेस होते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, इसीलिए मैं कहता हूं पूर्णता जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ट्रैक्टर के प्राइस को कम कैसे करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। और ये होता है क्योंकि मैंने 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया। जो लोग एक ट्रैक्टर, कोई आदमी 50,000 सस्ता लाता है और एक 50,000 महंगा लाता है, इसमें अंतर क्या है? क्योंकि जो 50,000 सस्ता लाया है ना, उसको ये पता है रेट कम कैसे करने में, वो माथा मारता है, वो रिसर्च करता है, 50,000 कमाई होगी ना आपकी, तो आसानी से आप रेटों को कम ज्यादा कर सकते हैं। 50,000 का मैंने एक उदाहरण दिया। सबसे पहला काम दोस्तों, सबसे पहला दुनिया की यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, हर एक के पास है, इसका इस्तेमाल सीखिए। इसका पहला इस्तेमाल है आपको ऑनलाइन ट्रैक्टर के रेट पता करने हैं। पहला ऑनलाइन में भी 2-3 तरीके हैं। पहला ऑनलाइन में कैसे पता करेंगे अपन? सबसे पहले हम सीधा गूगल पर पूछेंगे, मान लो ये ट्रैक्टर का रेट कितना है, सीधा गूगल पे बोलिए और वो ट्रैक्टर के रेट बता देगा आपको। आप उसको लिख लीजिए एक जगह, 2-3 जगह और उसी के नीचे साइट दी हुई है, दोनों तीनों जगह क्रॉस चेक कीजिए, और कंपनी की साइट पे भी जाइए, वहां पे भी रेट दिया होगा, वहां पे भी चेक कीजिए। दूसरा इस्तेमाल इसको दोस्तों, आपने जस्ट डायल पे फोन करना है और जिस शहर में है ना, उस शहर के ट्रैक्टर डीलर के नंबर मांगने हैं। पहला तो आप अपने शहर का रेट पता कीजिए, फिर आपने अड़ोस पड़ोस वाले जो शहर है उनके नंबर पता कीजिए, उन्हीं एक डीलर के जिसका आप मॉडल डिसाइड कर चुके हैं। मान लो आपने कोई एक एग्जांपल ए मॉडल डिसाइड कर लिया, फिर वहां रेट पता किया आपने। अब सबसे बड़ी बात है, दुनिया में हमारे इंडिया के अंदर सबसे सस्ते ट्रैक्टर कहां पे मिलते हैं? सबको पता है, हिमाचल में, पंजाब, हरियाणा में। आपने वहां पे भी उस ट्रैक्टर का रेट पता करना है कितने का है दोस्तों। अगर मान लो 1,00,000 रुपए का अंतर आता है, तो आप पैसे अरेंज करके 1,00,000 रुपए सस्ता ले आओ ना, लोन क्यों करा रहे हो ट्रैक्टर का? 1,00,000 रुपए बच गया ना आपको, तो आपकी उसी 1,00,000 रुपए की हर महीने की 2,000 रुपए ब्याज भी आपका ट्रैक्टर चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो इसका सही इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट है आपको करना है, रेट का पता जरूर करना है। क्योंकि राजस्थान में मैसी वाले लोग जो मैसी ट्रैक्टर खरीदते हैं ना, वो उसको दुनिया में कहीं ट्रैक्टर सस्ता मिल जाए खरीद लेते हैं वहां से जाके, जितने भी लोग हैं वहां पे वो ट्रैक्टर सस्ता खरीदते हैं। राजस्थान वाले लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं, ट्रैक्टर ऐसे खरीदते हैं, बहुत सस्ता खरीदते हैं, जहां मर्जी पहुंच जाते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए, है ना? इसी तरीके से आपको जहां पे ट्रैक्टर ज्यादा बिकता है वहां उसका रेट हमेशा सही मिलेगा। तो दोस्तों अब बात आती है दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है? सबसे दूसरा तरीका प्राइस कैसे कम करना है, आपने आपने जिन ट्रैक्टरों ने अभी अभी उस मॉडल के ट्रैक्टर खरीदे हैं, वो आपको उस कस्टमर के पास जाना है। और कस्टमर कैसा चुनना है? एक आप ऐसा कस्टमर चुनिए जो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, उसका रेट पता करना है। एक जिसने पहले 4-5 ट्रैक्टर खरीद रखे हो, उसने ट्रैक्टर खरीदा है,
उससे रेट पता करना है, क्योंकि वो नेगोशिएशन में मास्टर होगा, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि रेट हम कैसे कम कर सकते हैं, और वो रेट को आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे को भी सही रेट लगवाइए ना, तो वो सही रेट लगवा के आपको ट्रैक्टर दिलवा देगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है रेट कम करना। आप रेट कम कैसे करेंगे? तीसरा, जब आप डीलर के पास जाते हैं तो बहुत बड़ी हम जोश में आके डीलर को ये बता देते हैं मैंने यहां से वहां से रेट पता किया। तीसरा नंबर, डीलर से डिस्कशन करना रेट का। तो डीलर को आप ये मत बताइए कि मैंने रेट पता कर लिया। आप आराम से साथ डीलर के साथ नेगोशिएशन कीजिए, उनको रेट का आइडिया मत दीजिए। आप बोलिए आप कम कीजिए, ये ज्यादा रेट है, मैंने बहुत मतलब माथा मारा है, पर ये ज्यादा रेट है, ये ज्यादा रेट है। आप उसको बोलते रहिए रेट कम करते रहिए, बोलते रहिए रेट कम करते रहिए। धीरे धीरे डीलर नीचे आना चालू होगा, सेल्स पे नीचे आना चालू होगा। और इसके लिए आप ऐसे इमोशनल में ट्रैक्टर नहीं खरीदिएगा। जिस दिन मान लो दशहरा है या कोई त्यौहार है उस दिन ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे तो महंगा ही मिलेगा। आपको अपने इमोशन के अंदर आके मेरे को ट्रैक्टर से प्यार है, आज अच्छा दिन है, मैं ट्रैक्टर ले आया। अरे भगवान ने सारे दिन अच्छे बनाए हैं, सारे दिन अच्छे बनाए हैं ना, कौन सा दिन बुरा बनाया है भगवान ने? आप आज सांस नहीं ले रहे हैं क्या? एक एक सांस, आज आप पानी नहीं पियेंगे क्या? खाना नहीं खाएंगे क्या? भगवान ने तो एक एक सांस एक एक पल इंपॉर्टेंट बनाया है, लेकिन इंसान ने उसको कहीं ना कहीं दशहरा दिवाली ये मुहूर्त वो मुहूर्त में बांट दिया गया है। तो मुहूर्त से बच के ट्रैक्टर खरीदना है आपको, क्योंकि आप बिजनेसमैन बनना है किसान को। अगर आप बिजनेसमैन की तरीके पहला ही स्टेप अपना बिजनेसमैन के तरीके लेंगे तो आपको पक्का है ट्रैक्टर प्रॉफिट देगा, नहीं तो ट्रैक्टर नहीं प्रॉफिट देगा आपको। तो आपको ये कैसे लगे ये तीन तरीके रेट कम करने के, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, जो नया ट्रैक्टर ले रहा है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।